मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम न्यूज़, मैं हूँ नताशा रहमान। नाजरीन, आज हम एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हुए हैं। हमारे साथ चमकता सितारा मौजूद होगा अदील अशरफ, जो कि बॉडी बिल्डर भी हैं, जिन्होंने ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया और साथ ही साथ बहुत सारे गोल्ड मेडल भी हासिल किए हैं और उन्होंने अपनी एक जिम भी स्टार्ट की हुई है। पाकिस्तान का रोशन सितारा है अदील अशरफ और उनसे आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, तो आइए हमारे साथ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अदील, सबसे पहले तो ये बताओ कि बॉडी बिल्डर हो और यंग भी काफ़ी हो, मुझे ये बताओ कि कैसे शौक पैदा हुआ, इंस्पायरेशन कहाँ? इंस्पायरेशन मुझे अपनी फैमिली बैकग्राउंड से पड़ा। मेरे बाबा जान वो भी स्पोर्ट्समैन, साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं बॉडी बिल्डिंग, मेरे चचा भी, मेरे ऑल कज़न भी, सब हमारी फैमिली बैकग्राउंड सारे बॉडी बिल्डर हैं। फिर उनसे इंस्पायर होकर मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। मुझे इस चीज़ का शौक था, वैसे देख के ना इंसान को हो जाता है, शौक बढ़ता है। फिर बचपन से ही शौक था, मुझे उनको देखना, तो वहाँ से मैंने बेसिकली बॉडी बिल्डिंग अपनी मैंने स्टार्ट की। मैंने FSC के बाद मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी। घर वालों कहने पे उन्होंने कहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, तो मैं उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं था। मुझे बेसिकली शौक था शुरू से स्पोर्ट्स में। फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने स्पोर्ट्स ट्रायल दिए बॉडी बिल्डिंग पे, मैंने वो ट्रायल विन किया। फिर स्पोर्ट्स में मैंने एडमिशन लिया, 100% स्कॉलरशिप मेरी लगी पंजाब यूनिवर्सिटी में। फिर वहाँ से मैंने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की, फिर उसी स्पोर्ट्स को मैंने लेकर अपने बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ आगे। कौन से ईयर में आप ओलंपिक्स में आपने पार्टिसिपेट किया था? 2021 में रिसेंटली मैंने मार्च में मैंने पाकिस्तान ओलंपिया का मैंने टाइटल विन किया, जूनियर पाकिस्तान का ओलंपिया का। ये मेरा मेडल है, ये सर्टिफिकेशन है, ठीक है। मैंने पहले सबसे पहले क्लास विन की पाकिस्तान में, मैं 60 कैटेगरी का था। मैंने 60 कैटेगरी के लड़के ने 85 कैटेगरी लड़के को कम्पीट किया। फिर मैंने कम्पीट करके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टाइटल मैंने विन किया पाकिस्तान ओलंपिया। और पाकिस्तान में जितने कंपटीशन होते हैं उनमें अभी तक कितने कंपटीशंस में पार्टिसिपेट किया हुआ है? मैंने 2016 में मैंने स्टार्ट कर दिया था, लाहौर का मैंने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट टाइम मैंने मेरी ब्रॉन्ज मेडल आया मेरा लाहौर में, 12th पोजीशन आई। फिर मुझे मोटिवेशन हुई, यार मैं फर्स्ट टाइम आया लाहौर के स्टेज में, तो मैंने नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट करनी है। फिर मैंने पंजाब का कंपटीशन खेला, मैंने वहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर उसके बाद जो ट्रायल दिए हुए थे यूनिवर्सिटी में, फिर ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में कंपटीशन होते हैं, मैंने तो मैंने पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में मैंने फिर ओवरऑल 4 times मैंने गोल्ड मेडलिस्ट मैंने विन किया हुआ है। अहम बात जो होती है और जो ध्यान रखा जाता है ना, वो डाइट का होता है, तो डाइट का कैसे ख्याल रखते हो, क्या डाइट में क्या लिया जाता है? डाइट में हमारी ऑफ सीजन में और डाइट होती है, इन सीजन में और है और प्रो सीजन में और है। यानी आप ऑफ सीजन में, इन सीजन होता है कोई कंपटीशन आपने पार्टिसिपेट करना होता है उसमें, तो क्या इन सीजन में होता है? वो बॉडी की कंडीशन पर डिपेंड करता है। जिस टाइम आप साइज गेन कर रहे हो तो फिर आपने 8 to 9 meals आपने लेने होते हैं। 8 to 9 meals में आपने ब्रेकफास्ट में ओट मील लेना होता है दलिया, फिर उसके बाद एग वाइट आपने लेने होते हैं विद ओट, शुगर चाय टी लेना होता है। फिर उसके बाद आपके लंच में आ रहा था आपका बीफ आ रहा है, वाइट राइस आ जाते हैं, फिर ग्रीन सैलड आ जाते हैं। फिर उसके बाद प्री वर्कआउट में हमारा प्री वर्कआउट क्रिएटिन होती है, वो हमने यूज़ करनी होती है ट्रेनिंग से पहले, फिर वो लेते हैं। पोस्ट वर्कआउट में एग वाइट या प्रोटीन शेक्स यूज़ करना होता है। फिर उसके बाद डिनर में हमारा वो जो लंच बीफ में होता है, बॉयल्ड चिकन में, या वो लगा लें आप बॉयल्ड राइस लगा लें, फिर वो हमने यूज़ करना था। और इन सीज़न में जैसे जैसे कंपटीशन के दिन करीब आते हैं तो हमारी बॉडी लीनिंग में जाती है, तो लीन में जैसे ऑफ सीज़न में हम 8 to 9 meals लेते हैं, तो इन सीज़न में हमारे थोड़े से करीब आते हैं तो हमारे 3 to 4 meals होते हैं, बहुत कम मील होते हैं हमारे। स्टार्टिंग ब्रेकफास्ट में हमारा एग वाइट होता है, फिर लंच में हमारा बॉयल फिश होती है, बॉयल करके फिश विदाउट सॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं। अदील, आप ट्रेनर भी हो और अपनी अपने जिम भी स्टार्ट की हुई है, चूँकि कोरोना है और दूसरा साल है और जिम्स गेम्स सब कुछ बंद है, गवर्नमेंट की जानिब से पहले तो चलो थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर दिया जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट की जानिब से क्या कभी आपको कोई रिस्पॉन्स आया, या हम गेम्स करवा रहे हैं आपने पार्टिसिपेट करना है, गवर्नमेंट ने कभी अप्रिशिएट किया? गवर्नमेंट ने अभी तक अप्रिशिएट तो कुछ भी नहीं किया। मेरी तो PM से यही रिक्वेस्ट है कि हम स्पोर्ट्स में खुद भी स्पोर्ट्स मैन होकर ये स्पोर्ट्स को अभी तक वो कर नहीं रहे। देख लें अभी हमारा ये देख लें, अगर फर्ज करके स्पोर्ट्स की तरफ कम ध्यान दिया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से, अब रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ खोल दिए हैं लेकिन उन्हें स्पोर्ट्स की तरफ इनको वो कर नहीं रहे। अब जिसमें खास क्या ज़्यादा कोरोना तो नहीं आ गया, जहरी बात है कोरोना तो है एक डिजीज़ से बीमारी है, लेकिन आप सबको ध्यान से लेकर चले। हर जिम में जहरी बात उन्होंने ट्रेनर रखे हुए हैं,
है तो ट्रेनर को पे करना, उन्होंने रेंट किसी की रेंट की जगह पर जारी बात, रेंट भी उन्होंने पे करना, तो कहाँ से करना? एक मंथ का कर लेगा, दो मंथ कर लेगा, तो हर मंथ तो नहीं कोई वो कर सकता। तो हमारे पीएम से ये रिक्वेस्ट है कि जारी बात इनको स्पोर्ट्स की जरा थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पर ज़रा इनको ध्यान दें ताकि हम अपनी लाइफ को लेके स्पोर्ट्स को लेकर चल सकें। अच्छा अदील, मुझे ये बताइएगा, जब आपने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया तो घर वाले कितने खुश थे, और जब आप जीत के आए तो आप घर वालों का क्या रिएक्शन था? मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि मैंने ये ओलंपिया का टाइटल मैंने विन कर लेना है। तो मेरे यूनिवर्सिटी के कोच हैं सारे समान उम्र, तो उनकी कॉल आई थी यार दो दिन पहले, उन्होंने मेरे कहा कि आपने ये पार्टिसिपेट करने जाना है, अपने कंपटीशन खेलना है, तो उनके कहने पे मैं चला गया। मेरे है उम्मीद नहीं थी मैंने करना पार्टिसिपेट, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये कंपटीशन होता है, तो मैं उनके कहने पे चला गया। वहाँ पे जाकर जब मैंने अपनी क्लास विन की, क्लास के बाद जब मैंने टाइटल विन किया, तो मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था मुझे कि मेरी टाइटल मुझे मैंने पहना अपने आप को। हाँ मेरे, हाँ जी मेरे नाम उमर, तो जब घर वाले फादर तो साथ ही थे, जारी बात मेरे साथ ही होते हैं, उन्हीं के मैं स्टूडेंट हूँ, तो जब घर को करके मामा को बताया तो मामा भी बहुत खुशी हुई, वो तो हैरान हुई एकदम से सुन के कि वाकई तुमने कर लिया, जब उनको मैंने दिखाया। मुझे ये बताइएगा फ्यूचर का क्या प्लान है फ्यूचर में? फ्यूचर में मैंने स्पोर्ट्स को इंशाल्लाह आगे लेके जाना है, मैंने पाकिस्तान का एक कहते हैं नाम रोशन करना है, मैंने वर्ल्ड तक पार्टिसिपेट करना है, वर्ल्ड तक मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। गवर्नमेंट की जानिब से कोई सपोर्ट किया जा रहा है? गवर्नमेंट की जानिब से जब तक जो यूनिवर्सिटी में था, जीत के आते हो तो गवर्नमेंट की जानिब से कोई इनाम, तब तो ऐलान कर दिए जाते हैं लेकिन बाद में कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, बहुत होता है वो साल दो साल बाद फिर भी गवर्नमेंट चेंज होती है, नेक्स्ट गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो गवर्नमेंट को पता ही कुछ नहीं होता, यानी बहुत कम रिस्पॉन्स है स्पोर्ट्स में ना। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि बॉडी बिल्डिंग की तरह स्पोर्ट्स की तरह से करें ताकि हम इसी को पाकिस्तान का नाम रोशन करें, आगे फर्दर इसको लेकर चले। ठीक है, मुझे ये बताओ सिक्स पैक्स पे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मरती हैं और उनको बहुत पसंद होता है, तो कभी किसी लड़की ने प्रपोज किया और ऐसा कुछ सीन हुआ हो जो आपको अभी तक याद हो? लड़की को अभी मैंने शर्ट उतार के उतार दिखाया ही नहीं मैंने, नहीं यूनिवर्सिटी में तो अभी तक मैंने शर्ट उतार के दिखाया। आप सोशल मीडिया पे तो पोस्ट करते हो गए ना अपनी, तो वहाँ से किसी ने कभी मैसेज किया? जी काफ़ी लड़कियों के आते हैं, लेकिन ये हमारी गेम ऐसी है कि जारी बात अपने आप को बहुत सेफ रखना होता है, अपने अपना जितना सेफ रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। काफ़ी लड़के के रिस्पॉन्स आते हैं लेकिन उनकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो नहीं दी मैंने इसकी तरह। आपने कहा कि आप अपने काम पर ध्यान देंगे, तो काम पर ध्यान दिया जाता है, तो अदील अभी आगे का तो आपने बता दिया कि आप स्पोर्ट्स को लेके चलोगे और बहुत सारे, मुझे ये बताइएगा गोल्ड मेडल और फिर इतना बड़ा कप और फिर चैम्पियनशिप भी आपने जीती, तो क्या माइंड में आता है कि इतना कुछ जीत के भी गवर्नमेंट की जानिब से कोई अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है? अप्रिशिएट ये तो बेसिकली मैंने यूनिवर्सिटी की तरफ से पार्टिसिपेट किया था ना, अभी मैं जैसे प्रोफेशनल प्रो लेवल में आऊँगा किसी डिपार्टमेंट की। बता भी रहे हो कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड सारा इसी से, इसी सारे सारे बॉडी बिल्डिंग से, हम सब वापडा के एम्प्लॉय हैं, तो जारी आस्ता आस्ता जैसे वो कंपटीशन उन्होंने खेले वो तो 1989 या 83 से तब से वो खेल रहे हैं कंपटीशन, अब तो वापडा के एम्प्लॉय भी हैं, वापडा की तरफ से वो पार्टिसिपेट करते हैं। का शौक होता है कि हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तो जब आपने अपने घर वालों को बताया कि आपने इसी फील्ड में आना है, बॉडी बिल्डर ही बनना है, तो बाबा ने कुछ कहा नहीं कि नहीं आपने, जैसे आप बता रहे थे कि स्टडीज में उन्होंने कहा? बाबा को तो शौक था कि मैं स्पोर्ट्स में आऊँ, लेकिन मदर को था कि, लेकिन वो उनको शौक था कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें, इंजीनियरिंग की तरफ जाए, लेकिन आपको पता हर वालदैन की होती है, जो बड़ा भाई है बस वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, सारी बात उनको होती है कि बड़ा भी है छोटा भी सारे इसी फील्ड के अंदर इंजीनियरिंग। हाँ जी, तो मैंने उनके कहने पे कर तो लिया था, मेरे पास स्टडी मैंने ज्वाइन कर ली थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी, तो फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में, फिर मैंने दोबारा मैंने दो साल जाया करके पंजाब यूनिवर्सिटी में, फिर अगेन मैंने बैचलर मैंने किया, फिर वहाँ से मैंने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन स्पोर्ट्स को लेकर मैं फिर मगर चला था। बॉडी बिल्डर्स अक्सर खुद को फिट रखने के लिए और कंपटीशन जीतने के लिए बहुत सारी मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तो क्या वो ठीक होते हैं? आपने कभी मेडिसिन का यूज़ किया या फिर आप फ्रेश डाइट ही लेते हो? मेडिसिन का नुकसान है, ड्रग्स का यूज़ करने में बहुत ज़्यादा नुकसान है, आप फूड सप्लीमेंट यूज़ करें वो आपके लिए ठीक है। आजकल फूड सप्लीमेंट यानी पहले भी चले हैं, लेकिन फूड सप्लीमेंट जो ड्रग्स की निस्बत है वो आपके लिए ठीक है। एक होता है नेचुरली जैसे हम ये चिकन वगैरह बीफ वगैरह यूज़ कर रहे हैं, एक होता आर्टिफिशियल में फूड सप्लीमेंट यानी लिक्विड में आते हैं, पाउडर फॉर्म में आते हैं, अब इस चीज़ में मैंने वो चीज़ में यूज़ किया, उस चीज़ का आपका यानी आप डिसएडवांटेज आपके वो नहीं है, एडवांटेज ही आप उसका बेनिफिट ही आपको मिलेगा। अदीन मुझे ये बताइएगा कि आप अपनी जिम भी खोली हुई है, तो कोई यहाँ से नेशनल या फिर सिटी लेवल पे कोई ऐसा स्टूडेंट आपका हो जिसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और वो विन करके आया हो? काफ़ी स्टूडेंट हमारे, आपको मैंने बताया था मेरे बाबा जान भी स्पोर्ट्स मैन है, उन्हें तो वो काफ़ी यानी वो उस्तादों के उस्ताद ये समझ लगे, वो उस्तादों के साथ उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट अपने तैयार किए हैं। ठीक है अदील, मेरा आपसे लास्ट सवाल है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, आप चूँकि
हमारे पाकिस्तान का रोशन सितारा भी हो और पाकिस्तान यंगस्टर्स ही पाकिस्तान का एक फ्यूचर होते हैं। तो जो नाज़रीन हमारे देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं जो देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उन्हीं को मैं यही कहूँगा कि आप फिटनेस की तरफ आएँ, बुरी सोसाइटी से बचें। फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि आप फैमिली में बाहर हर चीज़ में आप बुरी सोसाइटी से आप बढ़ते, फैमिली वाले आपको देखे कुछ भी होते हैं। ये बुरी सोसाइटी में आजकल का जो माहौल चल रहा है, आपको पता है कि ड्रग्स वगैरह यूज़ लड़के वगैरह कर रहे हैं, बुरी सोसाइटी से बचें। शीशा वगैरह, हाँ जी, तो शीशा वगैरह ये ड्रग्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, जारी बात है। फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, आप जब इसमें आ जाते हैं, इन हो जाते हैं, तो आप सारी बुरी सोसाइटी से आप बच जाते हैं। मेरा यही यंगस्टर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फिटनेस में आप ध्यान दें, ये बुरी सोसाइटी से बचें, तो अपनी लाइफ को लेके आगे चलें। अदील, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज हमने आपको मिलवाया अदील अशरफ से, जो कि बॉडी बिल्डर हैं और बहुत सारे प्लेयर्स को भी उन्होंने ट्रेन किया है। उनका फैमिली बैकग्राउंड ही बॉडी बिल्डर्स का है और उनको भी यही अपनी फैमिली की तरफ से देखे इंस्पायरेशन मिली कि वो बॉडी बिल्डर की तरफ जाएँ। और साथ ही साथ नाज़रीन, हमें इजाज़त दें, अगली स्टोरी में नए सितारे के साथ दोबारा से हाजिर होंगे, एक नई स्टोरी के साथ हाज़िर होंगे, अलानी के बाद।